Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. This is Vinod Tamang. So आप सभी को फिर से विनोद तामंग चैनल में स्वागत है. सो आज मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये हमारा प्यारा सालेगोड़ा. सो सालेगोड़ा एरिया में आपको आज इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा. हमारा ये जो सालेगोड़ा है, बहुत बढ़िया सालेगोड़ा है. इसका एक ख़ास बात है कि कोई भी लोग यहाँ पर आके मिनिमम 6 मंथ रह जाते ना, तो उन लोग क्या बोलते पता है, हमको यहाँ फिर रहना है. तो ऐसे करके बहुत जन हम लोग का सालेगोड़ा में ज़मीन खरीद के महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, राजस्थान, बहुत जगह से आके यहाँ पे ज़मीन खरीद के बैठा हुआ है. तो इस प्रकार का सालेगोड़ा है कि सबको पसंद आ जाता है. ठीक है, तो वही सालेगोड़ा को मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा. और हम लोग का ये जो सालेगोड़ा है, इसमें आपको ज़्यादातर मॉनेस्ट्री गुम्बा आपको देखने को मिलेगा. बहुत बढ़िया बढ़िया गुम्बा है. और आप लोगों को, आपको यहाँ पे बहुत सारा जगह भी है जहाँ पे आप ड्राई पिकनिक कर सकेंगे, रेस्ट कर सकेंगे, अपना माइंड कूल कर सकेंगे. वो सब मैं एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग चैनल में. सो होप सो आपको ये ब्लॉग चैनल पसंद आएगा होगा. तो ये चैनल पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग यार. तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ मेरे घर के ऊपर, तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ. सो आप ये आगे जो देख रहे हैं, ये है आपका सालेगोड़ा ग्राउंड. हम लोग का ये सालेगोड़ा ग्राउंड है. यहाँ पे एवरी ईयर आपका गोल्ड कप होता है, लेकिन इस बार हुआ नहीं क्योंकि कोविड के कारण से. होप सो नेक्स्ट ईयर शायद गोल्ड कप हो जाए. ओके, सो अभी भी आप देख रहे हैं वहाँ पे बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फुटबॉल. सो एकदम बढ़िया से जगह ये आपका एकदम सालेगोड़ा. ओके, सो अभी फ़िलहाल तो मैं घर के ऊपर हूँ. घर के ऊपर से आपको ये बढ़िया सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. और ये जो हम लोग का है मॉनेस्ट्री गुम्बा, ओके, सालेगोड़ा का बहुत पुराना गुम्बा है ये. जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब ये गुम्बा बना था. ओके, सो एकदम बढ़िया सा गुम्बा है. आपको ज़्यादा तक ये सालेगोड़ा पहचान में आया ये इसी गुम्बा के कारण से. ओके, सो देखिए एकदम बढ़िया जगह है ये सालेगोड़ा आपको. और ये आप आगे जो मोड़ देख रहे हैं वो है आपका चेंगबा मोड़. ठीक है, तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको ड्रोन शॉट से बढ़िया से ये सालेगोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ ऊपर से. लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका आगे आर्मी है, कि आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पे उतना अभी ड्रोन तो अलाउड है नहीं. लेकिन हम लोग का ये लोकल एरिया बोल के थोड़ा तो उड़ाना देता है वहाँ से. तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि कितना मैं उड़ा सकूँ और आपको दिखा सकूँ. तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट ऊपर से. हाय एवरीवंस, ओके, सो अभी फ़िलहाल मैं हूँ तोरीबारी. तो ये जगह है आपका तोरीबारी, बहुत बढ़िया प्लेस है. अभी मैं जहाँ पे हूँ यह है आपका गोलवा नदी के सामने. तो आप यहाँ पे आ सकेंगे, ड्राई पिकनिक कर सकेंगे, लेकिन गंदगी मत करिए. ठीक है, तो एकदम बढ़िया जगह है आपका. और आपको यहाँ पे आपको रीति रिवाज रेस्टोरेंट और आई के रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट. इसके बाद हम लोग जाएँगे आपका गुम्बा के वहाँ पे और ये रीति रिवाज के वहाँ पे, तो वहाँ का वीडियो हम आपको दिखाएंगे. ठीक है, तो पहले आप देखिए ये लोकेशन कितना बढ़िया है. उधर फॉरेस्ट, यहाँ नदी, और यहाँ पे आप बैठ के बढ़िया से ड्राई पिकनिक कर सकेंगे, माइंड कूल कर सकेंगे, लेकिन गंदगी मत करिए. ठीक है, तो चलो आप, मैं आपको दिखाता हूँ आगे. लेट्स गो. सामने नदी, और नदी के यहाँ पर आप बैठ के ड्राई पिकनिक कर सकेंगे, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, ड्राई पिकनिक करिए, गंदगी मत करिए, ये मेरा कहना है. और यहाँ पर आपको मछली भी आप पकड़ सकेंगे, बढ़िया बढ़िया, पता नहीं कौन सा वाला मछली मिलता है यहाँ पे, लेकिन इतना बढ़िया जगह है ये. और यहाँ पे देखिए आदमी लोग आपको ड्राई पिकनिक कर रहा है बढ़िया से. ठीक है, तो इतना बढ़िया नदी है यहाँ पे, आप यहाँ बैठ के फुल मौज कर सकेंगे.
लेकिन अच्छा वाला मॉस, गंदा वाला मॉस नहीं। कौन सा वाला मछली है, कौन सा है? ओके ओके, चुच्ची बांधो उसका। हाँ, तो ऐसे करके आपको मछली भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बढ़िया सा। तो देखिए आपने यहाँ पे आपको ये इसको क्या बोलते हैं, हीरे, और उसको बोलते चुच्चे बम। आपको ऐसे करके मछली भी, आप आइए यहाँ पे टाइम पास करिए, मछली मारिए, लेकिन एकदम सही तरीक़ा से आप आइए, इंजॉय करिए और अपना टाइम बढ़िया से स्पेंड करिए, ठीक है? तो चलो अभी फिर मैं आपको दिखाता हूँ टोरी बारी के और लोकेशन, जगह, एरिया। यहाँ पर सबसे बढ़िया जगह है आपका गुम्बा, जो एकदम बढ़िया है वो, ठीक है? आपको यहाँ पे रीति रिवाज रेस्टोरेंट बढ़िया सा है, तो आप रेस्टोरेंट का मज़ा लीजिए, गुम्बा का मज़ा लीजिए, और प्लस इतना बढ़िया नदी, इसका भी मज़ा लीजिए नेचर के साथ में। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग विनोद तामंग चैनल। हाय एवरीवन, जैसे आपको पता है कि अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ ये आपका तोरीबाड़ी। तो हम लोग का ये लवली ब्यूटीफुल सालुगुड़ा में एक तोरीबाड़ी एरिया है, जहाँ पर आपको सुंदर सुंदर एकदम मॉनेस्ट्री बढ़िया सा देखने को मिलेगा, और भी बढ़िया बढ़िया जगह है वो मैं आपको दिखाऊंगा ये ब्लॉग चैनल में। तो अभी फिलहाल देखिए आप ये मॉनेस्ट्री, आपका ये है मॉनेस्ट्री, ये होगा आपका तोरीबाड़ी, जो ये जो रास्ता है, आप यहाँ से जब आएंगे तो आपको ये इतना बढ़िया सुंदर मॉनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये मॉनेस्ट्री के बाद अब हम आपको ले जाएंगे आगे और क्या क्या है तोरीबाड़ी में देखने के लिए एरिया जगह। सो देखते रहिए विनोद तामंग यूट्यूब चैनल। अभी कहाँ पे आपका तोरीबाड़ी, जैसे आपने गुम्बा का शॉट आपने देख चुके हैं जो मैंने दिखाया था वो गुम्बा, और फिलहाल मैं हूँ यह चौपत चौपती चौपती। ओके, तो चौपती का आपका ये जो है क्या बने यहाँ डांगी डांगी, ये जो डांगी है जो मेरा एक भाई है राहुल सुनवार, जिसने एमटीएस राहुल जो म्यूज़िक वीडियो बनाया था, उसी का घर यहाँ से जाता है, और ये रास्ता आपको पता है ये जाएगा आपका गुम्बा की ओर। ओके, सो और यहाँ से जाएगा मेरा अभिमन्यु जो दोस्त है, हाँ जी भाई है उसका घर, ठीक है? तो यहाँ भी एक बढ़िया सा जगह, आप यहाँ भी आ सकोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे रीति रिवाज। ओके, चला क्या बनता आई टी आई। ओके, तो ओके बहुत सारा आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। सो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ आपका ये कमला नगर। ओके, सो ये कमला नगर एकदम बढ़िया जगह है। सो पहले बचपन में मैं यहाँ पे और नहाने के लिए आता था ये नदी में, आप जैसे ये नदी दिख रहे हैं महानंदा। सो अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो एक ये तो आगे आप मंदिर के उधर आप जब दिख रहे हैं वहाँ पे एक एरिया था माइलोडारा, वहाँ पे हम लोग बैठ के बचपन में बहुत इन्जॉय करते थे। यहाँ से हम लोग वहाँ पहाड़ में तीन धारिया एरिया हम लोग बैठ के देखते थे, वो जो आप आगे देख रहे हैं वहाँ पे पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, और ये भी एक आपका एक बढ़िया जगह है जहाँ पे आप बैठ के बढ़िया सा नदी का और ये बढ़िया सा पहाड़ का मनोरंजन कर सकेंगे, मज़ा ले सकेंगे। ओके, सो यहाँ से आपको ये है आपका महानदी, ठीक है? आपको ये महानदी देख के इंजॉय कर सकेंगे, एकदम बढ़िया जगह है ये भी आपका। ये जो आप ये देख रहे थे ये पहले था आपका माइलोडारा, जहाँ पे हम लोग बैठ के पहले फुटबॉल खेलते थे, बैठ के हम लोग इंजॉय करते थे, लेकिन अभी इस एरिया को घेरा कर दिया, बाउंड्री कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट की तरह एकदम पेड़ पौधे लगाया हुआ है, तो अभी उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हरियाली की नज़र में बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ भी आ सकेंगे, कमला नगर बहुत बढ़िया जगह है, आप यहाँ बैठ के पहाड़ का नज़ारा और नदी का नज़ारा ले सकेंगे। ओके, ये है आपका मेन कमला नगर एरिया। ओके, सो अभी मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये बढ़िया सा कमला नगर आपको मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँ। ओके, तो एकदम बढ़िया जगह है ये कमला नगर, आप यहाँ भी आ सकेंगे और जगह का मनोरंजन ले सकेंगे। ओके, तो देखते रहिए विनोद तामंग चैनल।
बाज़ार से थोड़ा आगे आपको आना पड़ेगा, तो ये इस एरिया को बोलते हैं टाइटैनिक। बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे आपको साँव खोला दिखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको फॉरेस्ट दिखने को मिलेगा, और वहाँ बीच में आपको थोड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे आदमी लोग क्रिकेट फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। और ये बढ़िया जगह है, आप यहाँ भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा सा व्यू देखने को मिलेगा। ये है आपका टाइटैनिक। चलो मैं आपको टाइटैनिक दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये एकदम बढ़िया सा व्यू है आपको, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि जो भी यहाँ पे आते हैं उन लोगों को इतना रिक्वेस्ट है कि गंदगी मत करिए। इतना बढ़िया जगह है, यहाँ पे ऐसा गंदगी फेंक के इतने सुंदर जगह को एकदम असुंदर, यू नो, असुंदर टाइप का मत करिए। मेरा कहना सिर्फ यही है, एकदम बढ़िया सा जगह है आपको, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के नदी का मज़ा, और ये आगे आपको फॉरेस्ट देख रहे हैं, ओके। उसके आगे आपको खुलासन फाफरी है, और ये है आपका साँव खोला। बढ़िया सा जगह है, यहाँ पे मैंने धीरे बहुत सारा म्यूज़िक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है, ओके। वो आपको BTS म्यूज़िक अकेडमी में देखने को मिलेगा, बहुत सारा वीडियो बनाया मैंने। और एकदम बढ़िया सा जगह है, शांत जगह है, कोई एकदम हल्ला सल्ला कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम शांत जगह है। आप यहाँ बैठ के बढ़िया से इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ का भी मैं हल्का आपको ड्रोन शॉट दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर से आपका ये टाइटैनिक कैसे दिखता है। चलो देखते हैं ड्रोन शॉट। फिलहाल मैं आ चुका हूँ आपका ये खुलासन फाफरी। सो अभी मैं आपको खुलासन फाफरी का जो हम लोग का जो जैसे इंटर होता है खुलासन फाफरी, वहाँ पे एक दुर्गा मल्ला जी की स्टैचू है, बढ़िया सा है, और आपको यहाँ पे बैठने का भी जगह मिलेगा, बहुत बढ़िया जगह है। सो आप यहाँ पे आ सकेंगे। सो ये है आपका खुलासन फाफरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दुर्गा मल्ला जी की स्टैचू, एकदम बढ़िया जगह है। अभी मैं इंटर हो चुका हूँ खुलासन फाफरी, ओके। सो उसके बाद मैं दोस्त के वहाँ पर जाऊँगा, और वहाँ जाके भी देखता हूँ मैं वहाँ से कुछ ड्रोन शॉट, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक एरिया है, तो ड्रोन शॉट उड़ पाएगा कि नहीं पाएगा वो मेन बात है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ का भी छोटा ड्रोन शॉट मैं निकालने के लिए कोशिश करूँगा। अब नहीं हुआ तो आप नीचे से ही खुलासन फाफरी एरिया देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ खुलासन फाफरी। सो यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा खदा फ्लैग, ओके। सो ये जो आप देख रहे हैं बढ़िया सा फ्लैग, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बैठ के रेस्ट करने का जगह मिलेगा एकदम। ये आपका खुलासन फाफरी इंटर होने का जगह है, जहाँ पे आप इंटर होंगे खुलासन फाफरी, तो आपको बढ़िया सा यहाँ पे सा दुर्गा मल्ला का स्टैचू देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ भी ऐसा बढ़िया जगह है, और ये है आपका दुर्गा मल्ला का स्टैचू, ओके। जो आपको पता ही है दुर्गा मल्ला, जिसने भारत आज़ाद के लिए अपना बलिदान दिया हुआ था। सो ये है आपका दुर्गा मल्ला, ओके। सो एकदम अच्छा सा बनाया हुआ है, तो मैं अभी जाता हूँ दोस्त के वहाँ पे, तो वहाँ से भी आपको ये खुलासन फाफरी ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँगा। फाइनली मैंने जितना भी था, थोड़ी बारी खुलासन फाफरी, टाइटैनिक,
आपका कमला नगर मायलू डारा सबका ड्रोन शॉट मैंने ले लिया और आपने देख चुके होंगे। ओके सो होप सो आपको ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सालेवाड़ा एक्सप्लोर वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो और बढ़िया बढ़िया मैं आपको अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा मेरा ये विनोद तामंग ब्लॉग चैनल में। ओके तो ये और ये आप मैं आपको थोड़ा लास्ट थोड़ा सा व्यू दिखा के एंड करता हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग विनोद तामंग चैनल। और ये जो आप देख रहे हैं मैं अभी घर के ऊपर हूँ। ओके छत के ऊपर से ये देखिए लास्ट टाइम आपका ये हमारा प्यारा सालेगोड़ा सिटी। ओके सो आपको ये बढ़िया सा प्यारा सालेगोड़ा सिटी देखने को मिल रहा है ये ग्राउंड। ओके सो देखते रहिए विनोद तामंग चैनल एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट यार, सब्सक्राइब कर दो यार कर दो। बाय।